नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का 2.4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 हम लोग 2.4 का, यदि बहुपद एक्स के बराबर 4 माइनस 6 एक्स क्यू माइनस 2 26 स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35 के दो शून्य को 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि बहुपद के शून्यक है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माने थे हम लोग। अब देखिए, अल्फा इसको अल्फा बीटा में तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरो आर द अल्फा एंड बीटा बीज। तो इसको जो इस फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर के माइनस यहाँ अल्फा का मान रख दिया, यहाँ बीटा, यहाँ अल्फा का मान रख दिया, यहाँ बीटा का, एक्स का एक्स, यहाँ अल्फा का, यहाँ बीटा का, इंटू में जो था इंटू में रख दिए। अब गुना करने पे जो आया गाइज, सो कितना आया एक्स स्क्वायर, और इतना 4x आया, और दो दूने 4 आया, ये दो दूना 4 और 3 3 9। तो इसका 3 3 9 का कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3000 स्क्वायर करेगा 3 हो जाएगा। अब इसका जो होगा से कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका आ गया क्या, हमको ये आ गया मेरा, या मेरा इतना आ गया। तब जो है से मेरा जो इतना में जो है से इतना से इतना को इतना से भगा देते हैं, इतना को इतना से भगा देते हैं। तो जी वही काम करते हैं हम, देख लीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भागा देते हैं कितना में, एक्स पे पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35 इतना को भागा देते हैं। कितना से लगाएं, पहले एक्स स्क्वायर से लगाते हैं, एक्स स्क्वायर से लगाते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स पर पावर 4x हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, ये आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स 4x क्यूब हो जाएगा। फिर अगर एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 में करेंगे तो प्लस के प्लस, इतना हो जाएगा आपका। साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ भी साइन चेंज कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको जैसे एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 4 दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, माइनस प्लस माइनस। तो ये देखते हैं 6x क्यूब में से 4x क्यूब घट गया तो कितना बचेगा, ये 2x क्यूब बचेगा माइनस में। अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस हुआ था, माइनस माइनस प्लस, 26x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27x स्क्वायर माइनस में 27 स्क्वायर, यहाँ से 138x माइनस 35 इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ कितना से लगावें, देख लीजिए, यहाँ 2x क्यूब लाना है, 2x क्यों लाना था, 2x से अगर माइनस 2x से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा, तो कितना से कर देते हैं, माइनस 2x क्यू से, या फिर अगर x क्यू लाना है तो यहाँ x स्क्वायर है तो 2 का 2 हो जाएगा, x स्क्वायर में x से मल्टीपल होगा तो x क्यू हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो आप गुना कीजिए माइनस में, तो माइनस 2x x क्यू, फिर आ जाइए यहाँ पे 27 को 2 अगर 4 से कीजिएगा तो 4 2 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिएगा तो माइनस, फिर 2x हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा आपका, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 2708 कितना होता है, इसको आप ऐड कीजिए, देख लेते हैं, 8 7 15 यानी 35x स्क्वायर होता है। ये बात को आप भी फील कर रहे होंगे,
तो 35 एक्स स्क्वायर, तो माइनस में प्लस में माइनस में हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर, और प्लस 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 होता है तो 38 और दो कितना हो जाएगा आपका 40। ये यहाँ पे अगर 138 एक्स था ना, और आपका यहाँ पे 138 एक्स था, और यहाँ पे आपका 2x से मल्टीपल किए थे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो माइनस 2x होने के लिए 140x हो जाएगा। प्लस में कि माइनस में? प्लस में होगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस में है 40x, और ये आपका 35 के 35 आ जाएगा। अब यहाँ कितना से मल्टीपल करें तो कि यहाँ मेरा 35x² आए, 35x² आए, 35 से कर दो प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में करो 35 से, जी इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ 35 से करेंगे तो कितना होगा, 35x² माइनस में, और फिर माइनस 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 प्लस, 35 फोर जा कितना होता है, मतलब 35 चौको कितना होता है, तो 35 दुना डियर स्टूडेंट 70 होता है, तो 35 में 70 तो 70 दुनी 140, तो 140 यहाँ हो गया आपका 140 एक्स हो जाएगा, और यहाँ 35 से कम 35 माइनस में ये हो गया। अब देखिए इसको खेला, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका सिंपल वे में, और ये भी प्लस माइनस में कट जाएगा, और ये भी आपका कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका जीरो, यानी शून्य का जीरो आ गया। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन पे, एक छोटा सा कैलकुलेशन और बच रहा है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नौ, अब यहाँ पे जो हो जाएगा आपका कितना आया था मेरा ये भागफल कितना आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 आया था इक्वल टू जीरो। इसको हम तोड़ लेते हैं, क्या करेंगे तोड़ लेंगे, तोड़िए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35x है, इसको कितना हम तोड़ेंगे, तो इतना अगर तो इसके 7 × 5 = 35 होता है ना, 7 × 5 = 35, 7 में से 5 जगह 2 बचेगा, तो 7x में तोड़ दीजिए इसको, कितना तोड़ दीजिए, तो 7x में 7x प्लस 5x माइनस 35, यानी मेरे कहने का मतलब है जोड़ने पे जितना दिया हुआ है, जितना यहाँ दिया हुआ है इसे 2x आना चाहिए, गुना करने पे इधर जो 35 आया दिया हुआ है 35 वो आना चाहिए, तो 35 यहाँ आ जाएगा आपका, 7 × 5 = 35 हो गया। आप तोड़ दीजिए इसको, x अगर कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 7 बचेगा, और यहाँ कितना लीजिएगा, यहाँ 5 कॉमन, माइनस 5 अगर कॉमन लेते हैं, प्लस 5 लीजिएगा, प्लस 5 लीजिए तो 5 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 × 7 = 35 बचेगा, ये 5 × 7 = 35 बचेगा जीरो। अब यहाँ जो है सबका एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 7 ये हो गया। अब दोनों तरफ से कीजिए, केस नंबर वन और केस नंबर टू, इस तरह से देखेंगे हम लोग। तो केस नंबर वन को देखते हैं, बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5 आया, और दो को वैल्यू इसमें आएगा, और एक्स माइनस 7 बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो एक्स के मान, दो शून्य ज्ञात करने बोल रहे थे, एक्स के मान कै गो आया, तो एक्स के मान एगो 7 5 आया, एगो 7 आया, तो ही गाइस आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चल, ये आपका क्वेश्चन 5 है, कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x³ प्लस 16x³ माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद एक्स क्यू माइनस 20x 2x प्लस के से भाग दिया जाए तो शेषफल x पर ये आता हो, तो के तथा एक का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बाय डिवीजन एल्गोरिथम मेथड देखेंगे, डिवाइडेंट इसका फार्मूला तो डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूस्टेंट इन रिमेंबर, डिविडेंट मतलब होता है इसका भाग, डिविडेंट मतलब होता है इसका क्या, भाज्य, भाज्य इसको लिख देते हैं यहाँ पे, भाज्य ये होगा भाग्य भाग, और ये हो जाएगा आपका शेषफल,
ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा भागफल, भागफल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा शेषफल। ये शेषफल हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमको निकालना क्या है, बहु भाग दिया जाए तो क्या और ये का मान निकालना है, इसलिए पहले डी ये जो है सो हम कर लेते हैं इधर डिविडेंड और रिमाइंडर को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू डिविजर, डिविजर इनटू क्यूसेंट, क्यूसेंट। तो इन लोग दोनों का जो है सो देख लेते हैं हम लोग पी एक्स बराबर कितना दे दिया है, ये एक्स पावर फोर सिक्स एक्स क्यू प्लस सिक्सटीन एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन दिया है। और आपका जी एक्स बराबर कितना है दिया है, तो एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस के इतना आपका दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग जो है से अब आगे चलते हैं, एक्स क्यू माइनस टू एक्स फिर हटाओ फिर इसमें तो जरा एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस के ये हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना था, यहाँ एक्स पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यू प्लस सिक्सटीन एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन, ये आपका हो जाएगा इतना हुआ। इसको हम लोग डिवाइड दे लेते हैं, कितना से लगाओ फर्स्ट टर्म में, इसको जो है कितना से लगावें, मेन पॉइंट तो ये आपका है ना, कितना से लगाया जाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर से दीजिएगा तो फिर यहाँ पे कितना है एक्स क्यू था कि एक्स स्क्वायर था, पहले देख लीजिए एक बार। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर देख लेते हैं, तो एक्स के एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना होता है, एक्स पावर फोर एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स की टू एक्स क्यू होगा, टू एक्स क्यू, फिर यहाँ हो जाएगा टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर के है यहाँ पे, तो अगर मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर से यहाँ पे तो क्या हो जाएगा के प्लस में हो जाएगा कि माइनस में, प्लस में के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कट जाएगा ये, और ये आपका माइनस प्लस माइनस घटेगा, छः में से दो जाएगा तो कितना बचेगा चार बचेगा, चार एक्स क्यू माइनस में, और यहाँ जो आपका आ जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है तो ये घटेगा नहीं, तो क्या कर क्या जाएगा इसके लिए, इसको लिख दीजिए आप उसे डायरेक्ट, और एक्स स्क्वायर लेकिन कैसे एक्स स्क्वायर ये है ये एक्स क्यूब में है, तो एक बार स्क्वायर भी रखिए सिक्सटीन एक्स स्क्वायर है, और ये भी सिक्सटीन एक्स स्क्वायर के एक्स क्यू थोड़ा देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जो आपका है सिक्सटीन एक्स क्यू, यहाँ पे स्क्वायर है आपका, क्या है स्क्वायर, तो यहाँ से अगर ये लाएंगे करेंगे घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस सिक्सटीन माइनस के, अब इधर जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर है जाएगा ना जी, एक्स स्क्वायर जाएगा इधर बाहर में, और ऊपर से एक्स स्क्वायर ऊपर से उतारेगा उतरेगा कितना आपका टोटल उतरेगा
25 यानी 25x प्लस 10, 25x प्लस 10 उतरेगा, यहाँ आपका जाएगा -25x प्लस 10। अब कितना था, देखिए 4x³ मेरे पास आवे यहाँ, तब लिखिए यहाँ माइनस से देना पड़ेगा, फिक्स है। 4x³ लाने के लिए 4x से देते हैं, 4x से, तो कितना हो जाएगा -4x³, फिर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 4 × 8 चार दूनी 8x हो जाएगा, 4 × 8 x² 4 × 8 x² हो जाएगा, फिर यहाँ का 4x² हो जाएगा, 4x² फिर प्लस माइनस में होगा ना, 4x² गुना करने पर यही आएगा 4k से 4x², तो ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस होगा यहाँ, तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा। तब इसको अगर ये करेंगे तो इसको सॉल्यूशन जो है सबको करना होगा, 6 कितना है 16 − k x² 16 − k x² है आपका, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं और घटाना है इसमें से कितना में 8x घटाना है ना, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए आप, कि अगर जो 16 − k x² को -8 घटाएंगे इसमें, 8² है ना, हाँ 8² तो यहाँ पे जो होगा सब कितना हो जाएगा, x² अगर कॉमन लेंगे तो x² कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के दरमियान क्या होगा कि x² कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 16 − k − 8 बचेगा, यही बचेगा, और यहाँ अगर 16 में से 8 घटेगा मतलब 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 8k बचेगा, 8k बचेगा, इतना ही बचेगा 8k, तो x², तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या कि ये 8 − k x² ये बचा आपका, और यहाँ पे जो है से आपका कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 25 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 25 और 4 29 नहीं होगा, 25 में से 4 जाएगा तो 21 बचेगा, 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, तो यहाँ 4 कैसे घटाइएगा, यहाँ तो आपका 4s² लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ फिर वही करना होगा प्लस, यहाँ 4k − 25 अब ब्रैकेट बटा इधर इनटू में x होगा और प्लस 10 प्लस 10, अब इसको कितना से डिवाइड करें कि आ जाए, तो 8x से करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्या, अगर इतना से करेंगे तो पहले देख लीजिए, देख लेते हैं नेक्स्ट, तो हम लोग जो है यहाँ पे सो सिंपल सा प्लस से ना, प्लस से प्लस 8 − k से डिवाइड देते हैं, तो अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 − k² और इतना हो जाएगा और माइनस यहाँ होगा तो 2 कितना हो जाएगा 2k − 16x 16x + 8k − k² k² हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2k − 9x + यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ k²
के स्क्वायर माइनस आठ के प्लस टेन, ये हो जाएगा। यानी कि शेषफल जो आपका आ जाएगा, शेषफल सो आपका रहेगा टू के माइनस नाइन इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस आठ के प्लस दस, ये आपका शेषफल रहेगा। इसको क्या करना है अब यहाँ से देखिए। नाउ अब जो है सो लेट टू बी एक्स प्लस ए, फाइंड एक्स और ए का फाइंड करना है और के एंड ए का वैल्यू लोखन करना है। बट क्या हो जाएगा अपना, एक्स प्लस ए का फाइंड करेंगे तो एक्स प्लस ए का वैल्यू आपका कितना आया है, टू के माइनस नाइन इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस एट के प्लस टेन, इतना आया है। तो लिखेंगे तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कितना होगा, टू के नाइन इक्वल टू वन एंड के स्क्वायर माइनस एट के प्लस टेन इक्वल टू नाइन, दोनों या ए तो कितना था यहाँ पे, वन था ना हो। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा टू के माइनस, तो यहाँ जो है सबका टू के और प्लस माइनस में फिर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा वन प्लस नाइन यानी टू के इक्वल टू टेन, यानी दो पचे दस, यानी के मान कितना आया पाँच। अब इसको देख लेते हैं, के का कितना हो जाएगा, के की जगह प्रमाण रख दीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा पाँच का स्क्वायर हो जाएगा इसका मान रखेंगे तो, और आठ गुने पाँच प्लस दस बराबर इतना। तो अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, आठ पचे चालीस, चालीस तो चालीस तो पंद्रह, पंद्रह दस पच्चीस, देखिए अब ये कमांड पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच पच्चीस माइनस आठ पचे चालीस प्लस दस बराबर ए, तो कितना हो जाएगा ये पच्चीस में से चालीस पच्चीस, पच्चीस सौ दस कितना हो जाएगा, पच्चीस सौ दस पैंतीस चालीस और ए, तो ये बराबर कितना हो जाएगा फाइव। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि के मान कितना आया फाइव और ए का मान आया पाँच, यही हमको सीध करना था।